अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, हमने स्टार्ट किया हुआ था टाइप्स ऑफ पेन को, जिसके अंदर हमने टेंशन पेन, इन्फ्लेमेटरी, स्कीमिक और मायोफेशियल पेन को डिस्कस कर लिया था। आज हम डिस्कस करेंगे मसल टेंशन, मसल स्पैस, मसल ट्रमा और मसल डेफिशिएंसी को। तो सबसे पहले हम डिस्कस कर लेते हैं मसल टेंशन को। ठीक है, मसल टेंशन अगर नॉर्मली देखा जाए तो हम किसको कहते हैं? मसल टोन को। ठीक है, मसल टोन क्या होती है? सस्टेन्ड मसल कॉन्ट्रैक्शन होती है। ठीक है, कि मसल जो है वो कॉन्ट्रैक्शन स्टेट में रहते हैं। ठीक है, आइदर मूवमेंट हो या फिर रेस्ट हो बॉडी कंडीशन। ठीक है, रेस्ट में भी हो, मूवमेंट में भी हो, तो ये सस्टेन्ड रहती है मसल कॉन्ट्रैक्शन। ठीक है, मसल कॉन्ट्रैक्ट फॉर्म में रहते हैं, उस स्टेट को हम कहते हैं मसल टोन। ठीक है, ये तो नॉर्मल होगी अगर, लेकिन अगर कोई भी पैथोलॉजी होगी तो ये जो मस्कुलर कंट्रैक्शन है अगर ये इंक्रीज कर जाती है तो उसकी वजह से क्या होता है? चूंकि जो मसल्स होते हैं उनके सराउंडिंग्स में क्या होती हैं? ब्लड वेसल्स होती हैं। जब मसल सस्टेन कॉन्ट्रैक्शन बहुत ज़्यादा इंक्रीज कर जाएंगे कॉन्ट्रैक्शंस, तो जो सराउंडिंग ब्लड वेसल्स होंगी वो भी श्रिंक हो जाएंगी। उनकी श्रिंकिंग की वजह से क्या होगा कि ब्लड फ्लो कम हो जाएगा और इस्कीमिया स्टार्ट हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि ब्लड फ्लो जब कम हो जाएगा तो जो मसल्स हैं उनके जो टिश्यूज़ हैं उनको जब ब्लड सप्लाई नहीं मिलेगी प्रॉपरली तो वो क्या करना स्टार्ट कर देंगे? वो डाई करना स्टार्ट कर देंगे। जब वो मसल्स के टिश्यूज डाई करना स्टार्ट कर देंगे तो उनकी वजह से जो सेल्स हैं वो रिलीज क्या करेंगे? वो सब्सटेंसेस को रिलीज करेंगे जो कि पेन नर्व एंडिंग्स को जाके स्टिमुलेट करेंगे और क्या स्टार्ट हो जाएगी? पेन। ठीक है, इस्कीमिया की वजह से जो टिश्यू के सेल्स हैं वो क्या रिलीज करेंगे? मेटाबोलाइट्स को रिलीज करेंगे, फॉर एग्जाम्पल सब्सटेंस पी। ठीक है, और वो क्या स्टार्ट कर देंगे? पेन नर्व एंडिंग्स को स्टिमुलेट करके पेन को स्टार्ट कर देंगे। ठीक है, और पेन के रिस्पॉन्स में बॉडी क्या प्रोटेक्टिव रिस्पॉन्स शो करेगी? मसल स्पैस। ठीक है, और मसल गार्डिंग को। देन हम डिस्कस कर लेते हैं मसल स्पैस को। ठीक है, मसल स्पैज क्या होता है? इनवॉलंटरी कॉन्ट्रैक्शन होती है। ठीक है, जैसे इधर हमने डिस्कस किया इनवॉलंटरी कॉन्ट्रैक्शन होती है ऑफ मसल्स की किसके रिस्पॉन्स में? न्यूरोमस्कुलर सिस्टम की अगर इंजरी होती है या फिर इन्फ्लेमेशन। ठीक है, या फिर कोई भी ट्रॉमा होता है। ठीक है, तो जो इन्फ्लेमेटरी मसल्स की कॉन्ट्रैक्शन हो जाती है उसको हम कहते हैं मसल स्पैज। देन हम डिस्कस कर लेते हैं कि मसल ट्रॉमा के रिजल्ट में क्या होता है। मसल ट्रॉमा, ठीक है, मसल ट्रोमा किस किस टाइप का हो सकता है? इधर बर्न्स हो सकते हैं, क्रश इंजरीज हो सकती हैं, या कोई भी सडन ट्रोमा आ सकता है। ठीक है, तो उसके रिजल्ट में क्या होता है कि जो मसल्स के फाइबर्स होते हैं ना, मसल फाइबर्स, वो ब्रेक हो जाते हैं। ठीक है, क्योंकि मसल्स के अंदर कौन सी प्रोटीन होती है? मायोग्लोबिन होती है। जब मसल फाइबर्स टूट जाएंगे तो जो मायोग्लोबिन है वो मसल फाइबर से रिलीज होगी और वो एंटर हो जाएगी ब्लड में। ठीक है, जब वो एंटर होगी ब्लड में तो ब्लड में जाके वो ब्लड टॉक्सिसिटी कॉज कर देगी, जिसकी वजह से एक विशियस साइकिल स्टार्ट हो जाएगा और इस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं? रैबडोमायोलाइसिस। ठीक है, तो ये
एज अ रिजल्ट इन दी मसल ट्रॉमा के अंदर होता है कि जब भी मसल ट्रॉमा होगा तो मसल फाइबर्स ब्रोक होंगे, मायोग्लोबिन रिलीज होगी, ब्लड में एंटर होगी, टॉक्सिसिटी काज करेगी और अल्टीमेटली इस कंडीशन को क्या कहते हैं, रेब्डोमायोलाइसिस। देन हम डिस्कस कर लेते हैं मसल डेफिशिएंसी को, मसल डेफिशिएंसी, ठीक है, मसल वीकनेस और या फिर स्टिफनेस भी कहते हैं, मस्कुलर स्टिफनेस। ये ज्यादातर कब होती है, ओल्ड एज के अंदर, ठीक है। इसकी क्या काज होती है, डी कंडीशनिंग, ठीक है। डी कंडीशनिंग का क्या मतलब है कि जब प्रोलॉन्ग्ड पीरियड ऑफ द टाइम से उसने एक्टिविटी ना की हो, किसी भी किस्म की एक्टिविटी, रिक्रिएशनल स्पोर्ट्स वगैरह में उसने प्ले ना किया हो, ठीक है, उसका जो लाइफस्टाइल है वो सिडेंटरी हो, ठीक है। तो इसके रिजल्ट में क्या होता है, डी कंडीशनिंग के कनेक्टिव टिश्यू चेंजेस आती हैं, ठीक है। क्या चेंजेस आती हैं कनेक्टिव टिश्यू की, जो फिब्रिनोजन होती है ठीक है, ये नॉर्मली कहाँ प्रोड्यूस होती है, लीवर में, ठीक है, लीवर में ये प्रोड्यूस होती है और ये ब्लड में जब जाती है तो ये कन्वर्ट हो जाती है इनटू द फिब्रिन और ये एक एक्ट करती है एज अ क्लॉटिंग फैक्टर। लेकिन जब डी कंडीशनिंग होगी, ओल्ड एज होगी, कोई भी एक्टिविटी में वो पार्टिसिपेट नहीं कर रहा होगा पेशेंट, तो उसकी वजह से कनेक्टिव टिश्यू चेंजेस हो जाएंगी, ठीक है। ये जो फिब्रिनोजन होगी ये जब एंटर होगी ब्लड में तो ये लीक आउट हो जाएगी ब्लड वेसल से, ठीक है। जब ये लीक आउट हो जाएगी ब्लड वेसल से तो ये जो सेलुलर स्ट्रक्चर्स हैं वहां पे जाके अटैच हो जाएगी और इन अटैचमेंट्स को हम कहते हैं माइक्रो फाइब्रिनस एडियंस। ठीक है, और ये जो एडियंस हैं ये इंक्रीज कर देती हैं स्टिफनेस को, ठीक है। अगर तो मूवमेंट की जाए तो ये जो माइक्रोफाइब्रिनस एडियंस बनी है ये ब्रेक हो सकती है, लेकिन चूंकि जो पेशेंट है वो ओल्ड एज के अंदर है तो ओल्ड एज के अंदर भी चेंजेस आ रही होती हैं। क्या क्या आ रही होती हैं, मैक्रोफेजिस स्मॉल अमाउंट्स में होते हैं, ठीक है, क्योंकि अगर मैक्रोफेजिस ज्यादा अमाउंट में होंगे तो वो इन एडियंस को ब्रेक कर देंगे, ठीक है, उनको एज अ फॉरन पार्टिकल समझ के इनको इंगल्फ कर जाएंगे। लेकिन जब ओल्ड एज के अंदर माइक्रोफेज भी कम है और उसके अलावा मूवमेंट भी पेशेंट की बहुत ज्यादा लिमिटेड हो जाती है तो उसके रिजल्ट में क्या होता है कि ये जो एडियंस होती हैं ये ब्रेक नहीं होती, ठीक है। तो फर्स्ट काज इसकी ये हो गई, सेकेंड आ जाती है कि स्टिफनेस इंक्रीज होने की दूसरी क्या वजह होती है कि इसके अंदर इंक्रीज कोलेजन सिंथेसिस होती है, ठीक है। बॉडी के अंदर जो कनेक्टिव टिश्यू चेंजेस हो रही होती हैं उनका एक बैलेंस होता है, ठीक है। अगर इंक्रीज होती है कोलेजन सिंथेसिस तो दूसरी तरफ बॉडी क्या कर रही होती है कि इसको बॉडी से रिलीज कर रही होती है, इसका टर्न आउट जो प्रोडक्शन होती है उसको डिक्रीज कर रही होती है, ठीक है, प्रोडक्शन इसकी डिक्रीज हो रही होती है। लेकिन ओल्ड एज के अंदर क्या होता है कि कोलेजन जो सिंथेसिस होती है वो ज्यादा हो जाती है, ठीक है, तो उसके रिजल्ट में क्या होता है, ज्यादा डेपोजिशन हो रही होती है टिश्यूज में जाके कोलेजन की और उसके रिजल्ट में इंक्रीज हो रही होती है स्टिफनेस।
ठीक है, ज्यादातर कहाँ पे जाकर डेपोजिशन हो रही होती है, टेंडन्स में और लिगामेंट्स में, क्योंकि इनके अंदर जो वाटर कंटेंट होता है वो बहुत ज्यादा कम होता है। तो उसके रिजल्ट में क्या होता है कि कोलेजन जो डेपोजिशन टेंडन्स और लिगामेंट्स में होती है ये इंक्रीज कर देती है स्टिफनेस। ठीक है, तो जो मसल डेफिशिएंसी है जिसको हम वीकनेस और स्टिफनेस कहते हैं वो ओल्ड एज की वजह से होती है, डीकंडीशनिंग की वजह से होती है, उन लोगों के अंदर होती है जो एक्टिविटी को प्ले नहीं करते। तो उसके रिजल्ट में कनेक्टिव टिश्यू चेंजेस होती है, फिब्रिनोजन जो कि लिवर में एक प्रोटीन बनती है वो ब्लड में जाके फिब्रिन में कन्वर्ट होके क्लॉटिंग फैक्टर के तौर पे काम करती है। लेकिन जब कनेक्टिव टिश्यू चेंजेस की वजह से फिब्रिन का स्ट्रक्चर ही चेंज कर जाएगा तो वो ब्लड वेसल से लीक होके टिश्यूज में अडेयर होना, अटैच होना स्टार्ट कर देगी। उसकी वजह से माइक्रोफाइब्रिनस अडियंस बन जाएंगी और ये जो माइक्रोफाइब्रिनस अडियंस होंगी ये मूवमेंट की वजह से ब्रेक हो सकती है। लेकिन चूंकि पेशेंट मूवमेंट ही नहीं करता तो उसकी जो स्टिफनेस है वो इंक्रीज हो जाती है। और दूसरी जो इसकी रीजन आ जाती है ओल्ड एज के अंदर, मैक्रोफेजिस की जो प्रोडक्शन होती है वो कम हो चुकी होती है। उसके अलावा जो क्लैजन की सिंथेसिस होती है वो इंक्रीज हो चुकी होती है, जिसकी वजह से क्या होता है कि ये टेंडन्स और लिगामेंट्स में जाके अटैच हो जाती है और वहां पे जाके स्टिफनेस को कॉज करती है। तो आज हमने डिस्कस कर लिया मसल टेंशन, मसल स्पैज्म और मसल ट्रोमा और मसल डेफिशिएंसी को। नेक्स्ट इंशाल्लाह हम डिस्कस करेंगे अनदर टाइप ऑफ दी पेन्स को। अगर आप चाहते हैं कि मैं डिफरेंशियल डायग्नोसिस के ऊपर सीरीज ऑफ लेक्चर को स्टार्ट करूं और हर ऑर्गन को डिस्कस करूं, उनके रिलेटेड जितनी भी पैथोलॉजीज हैं, तो आप मेरे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। अल्लाह हाफिज़।